कभी वीडियो नहीं छः सात वीडियो एक ही बार शूट कर लिए और एक जो थे जिनका कैमरा वगैरह था मेरे पास कैमरे भी नहीं थे उस टाइम और कैमरा पैंतीस हजार का था तो छः महीना इसी में लग गया जो पैंतीस हजार इसी में फंस जाएगा <laughs> तो उनके कैमरे से शूट किए उन्होंने कोई चार्ज लिया उसके बाद हम छोड़ ही दिए लॉकडाउन लगा तब हम कहें आप कैसे पढ़ाएंगे वो तो एक दिन दो दिन करते करते अचानक लंबा हो गया तब हमको लग याद आया कि ओ मेरा एक चैनल भी है वहाँ पर उस समय उसपे लगभग तीस हजार सब्सक्राइबर हो चुके थे तो जैसे लॉकडाउन लगा तो उस पर पढ़ाना चालू किया और पता नहीं क्या लोगों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आ गया कि <laughs> <laughs> आपका स्टाइल ऐसा है थोड़ा तो सा आप आई थिंक पढ़ाई के साथ साथ में जो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत छोड़ते रहते हैं ना मतलब जो मतलब <laughs> जो ये, बात, चलता रहता है। ये बात हम देखिए जब हम गुलाम थे ना तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे सौ दो सौ साल मेंटली हजार साल कर देंगे उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पढ़ा के चला जाए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती है पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे समझाना वो समझा कि नहीं समझा अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो ये आपकी गलती है लड़का हमसे पूछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास तो कहे सर डाउट कैसे पूछेंगे हम कह रहे तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहाँ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है का आंसर मानना पड़ेगा और शायद यही वजह है इनकी जो ग्रोथ है उसका किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पिछले दो साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे आपके तीस हजार के करीब सब्सक्राइबर्स थे आज की डेट में सत्रह मिलियन है और मेरा एक क्वेश्चन और है इससे पहले कि ऑडियंस में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल हैं या थोड़े से सेंसिटिव हैं जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में है तो आपको कभी यह नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है इसको थोड़ा रोक देते हैं थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो कितना करना है मतलब करना है तुम सामने कुछ भी रहो ड मैटर और मैंने YouTube पे देखा कुछ वीडियोस में कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे आ, कुछ गिरे थे कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था फटा नहीं वो मतलब आपके आसपास हाँ, बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है <laughs> <laughs> क्या बात है क्या बात है <laughs> मैं समझ पा रहा हूं कि ये आपके अंदर जो एटीट्यूड है ये कहां से आ रहा है क्योंकि आप बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हैं एक तरीके से बस फर्क ये है कि आपके हाथ में कलम है हथियार ना होकर के हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है हाँ। कलम से बहुत ताकत होता है शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना हर कुरीतियों से लड़ सकता है हर तरह की समस्याओं से और ये एक ऐसा हथियार डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है हाँ। मेरा क्वेश्चन हाँ। ये है कि अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में पीटने का पनिशमेंट का ये सिस्टम जो है खत्म हो गया है हम आपके वीडियो में देखे हैं सर कि आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं पुलिस है वाला लाठी है पुलिस वाला लाठी है और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई शुरू कर देते हैं मस्त एकदम से है ना <laughs> तो सर मतलब कि बच्चे मतलब कि डरते नहीं आपसे और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड हैं आपसे है ना और एक एक और क्वेश्चन सर यूपीएससी का जो आप अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है उसके बारे में बताइए सर क्योंकि मुझे मतलब कुछ इश्यू करना है सर ठीक है और संदीप सर को देख लिए मेरा तो वैसे ही हो जाना है

लेकिन जब सजा देने की बात आएगी ना तो वो भी बेहतरीन ढंग से होगा इससे थोड़ी होगा कि बस एक चीज बेहतरीन ढंग से होगा और डर का होना बहुत जरूरी है ये डर डर भी अपने आप में एक एक मोटिवेशन है क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना तो डर के भागी मत एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे आप तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है और यही बात यूपीएससी वाले की जो आपने बोला बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की क्योंकि दो ढाई लाख फीस सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते और हमारा वही रहता है हम हम तो ज्यादातर तो हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला सब्जी वाले यही लोग इनको तो ढाई लाख रुपया इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है फीस कहाँ से भरेंगे वहां पर उसके बाद रहेंगे कहां से तो ऑल ओवर इंडिया से कश्मीर से कन्याकुमारी तक गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है यही कुछ हजार रुपए मंथली बारह चौदह हजार साल का पड़ेगा खत्म हो जाएगा इतना नहीं ये जो डंडे वाली बात इन्होंने कही ये सच है मतलब आप हाँ सच एक डंडा रखते हो पुलिस का ही है वो और मारते हो हाँ अगर मतलब कोई लड़की छेड़ता है कुछ भी गलती करेंगे मतलब विधायक जी थे उनके लड़का को पीट तो चला दल बल लेके अपना वहां पे उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पीटा है बस बोल दिया कोचिंग में पीटा है बाद में पता चला हम पीटे हैं तो उसके पिताजी मेरे सामने और पीटे तो आपका सबसे बड़ा डर क्या है आप दोनों का? फौजी को डरे नहीं लगता है <laughs> बाकी अफसर से <laughs> आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली कहानियां सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया <laughs> और इन्होंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यही आकर के अगर इन्होंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा तो इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है <laughs> आपकी डेली कितने घंटे क्लासेस होती है छह सात घंटे अभी भी खुद ही करते हो आप हमारे स्टाफ परेशान रहते हैं हम डेढ़ दो बजे सोते हैं सुबह छह बजे उठ जाते हैं परेशान रहते हैं इतना क्यों करते हो है हम जग गए तो कोई सोया थोड़ी रहेगा परेशान <laughs> रह दिन में सोते ही नहीं है बेचारा कहीं कहीं जाके सोते रहते हैं हम सीट बांध दिए भाई तुम इस समय सो जाना तुम इधर सो जाना आपकी शादी हो गई नहीं हुई अभी मेरी खुशहाली देख के आप आइडिया लगा सकते हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू से सर थैंक यू सो मच टू यू एंड टू योर टीम कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया एंड सर अब तक मैंने आपको सिर्फ फ़ोन या लैपटॉप में ही देखा है दोनों को आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे जब हम लाइफ में कोई डिसीज़न लेते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है और क्योंकि हम डिसीज़न लेते हैं तो हमारी आदत है कि पहले हम चार लोगों से पूछते हैं कि तू बता तेरी क्या राय है तू बता तेरी क्या राय है तो उनमें से अगर कोई हमें कह देता है कि ये बेकार डिसीजन है मत कर तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वजह से हम अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपने डिसीजन पे स्टिक रहे कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियन है उनको अफेक्ट ना होने दें अपने ऊपर दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है तो अगर आपको पहले से आइडिया है उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है क्या निगेटिव है उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए ये ना कि मन में आया सीधा बता गड़बड़ा जाएगा तुम तो वहाँ पर पहले आपको आर करना पड़ता है समझ में समझा कि नहीं और जिंदगी हो या गाड़ी जीतेगा वही जो टाइम पर गियर चेंज कर रहा है तो डिसीजन चेंज करना बहुत ज़्यादा गलत नहीं है इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इसी बात में थोड़ा सा और ऐड ऑन करूंगा कि ये जो आपने कहा ना कि अपने डिसीजन पे स्टिक कैसे रहें ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपने डिसीजन को चेंज करना होता है जैसे आपने चार लोगों से डिस्कस किया कोई इंसान कुछ पॉजिटिव बोल रहा है कोई नेगेटिव बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए डिपेंड ये करता है कि वो जो बोल रहा है उसका बेसिस क्या है क्या वो किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है या ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है ऐसे ही बोल रहा है तो फिर उसकी बात पे ध्यान क्यों दे रहे हो अगर किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है फिर चाहे वो पॉजिटिव बोल रहा है चाहे नेगेटिव बोल रहा है दोनों ही मायने रखता है उसके बाद में रिसर्च करनी है और फिर रिसर्च करने के बाद में फाइनल डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए अब वो डिसीजन उससे अलग भी हो सकता है जो आपने पहले लिया था और वो सेम भी हो सकता है सर मेरा क्वेश्चन दोनों से है आपसे हाउ टू डील एंड लेजीनेस हमारा ब्रेन है ना ये बहुत आलसी टाइप का इसको आराम खोजना पसंद है अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चले गए ना तो फिर उधर ही रहेगा आप सोचेंगे दस मिनट आराम कर लेते हैं ना तो दस मिनट दो घंटा बना देगा उसको टॉर्चर कीजिए चल दस मिनट बाद में उसको आप उस पर हावी मत वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए आपको हाँ आराम मिलेगा पहले काम पहले काम फिर मिलेगा आराम तो आप उसके हिसाब से मत चल आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं कोई नोटिफिकेशन आया आप कोई काम कर रहे हैं क्यों पहले काम कर लीजिए बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन आप हावी मत होने दीजिए यहां पे अगर आप पांच मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं दो घंटा बर्बाद कर दिया आपको हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है सबसे छोटे लेवल पे ले जाकर के उस गोल को तोड़ दो यानी वो गोल बहुत बड़ा है उसको ब्रेक डाउन करो उसके सबसे पहले स्टेप पे आ जाओ कि उसको अचीव करने का सबसे पहला स्टेप क्या है जैसे गाड़ी चलाना सीखना है उसका सबसे पहला स्टेप क्या है अगर घर में कोई नहीं है सिखाने वाला या सिखाने वाली तो बाहर जाकर के जो गाड़ी का ड्राइविंग स्कूल है उधर जाकर के पैसे दे दो अब फंस गए ना तो फंसा दो अपने आपको दिमाग ये लगाओ कि अपने आपको कैसे फंसाया जाए जब हम फंस जाते हैं ना तो फिर हमको वो काम करना ही पड़ता है देन देर इज नो लुकिंग बैक जब तक आप सोच रहे हो तब तक सोच रहे हो उसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस कि आप सोचते चले जा रहे हो अपने माइंड में मैं ये करूंगा वो करूंगा वो, करूंगा वो वो करूंगा और प्रोग्रेसिनेट हो रहा है वो चीज टलती चली जा रही है तो उसको छोटे से छोटे लेवल पर ब्रेक डाउन करके उसको कर दो दैट इज नंबर वन और जैसे ही करना शुरू करते हो कोशिश करो कि उसको जब तक कि आप सही से नहीं कर लेते हो उसको छोड़ना नहीं है तो आपकी लेजीनेस भी खत्म हो जाएगी कई लोगों को तो हमने देखा जो सप्ताह में कुछ भी नहीं करता वो भी संडे को आराम कर रहा है वैसे कहा भी जाता है कि अगर कोई काम आपको करवाना है ना तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है हाँ। ऐसे आदमी को मत दो जो खाली है ये परफेक्ट एकज किसी को भी आप देखिएगा जिसको आप कहते हैं कि मतलब थोड़ा ठीक ठाक आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत आगे गलत वो एक काम को खत्म करने के बाद कभी आराम नहीं करेगा एक काम खत्म हुआ उसको लगेगा हाँ एक खत्म हो गया अब दूसरा करना चाहिए और वही जिसको देखिएगा एक खत्म हो गया और आराम करना चाहिए कभी नहीं लाइफ में आखिरी सांस तक सो हाँ। so, यहाँ पे सब हिंदी में पूछते इंग्लिश में पूछते मोजपुरी में पूछो। जोन भाषा ठीक लगे तो में पूछ दो <laughs> हाँ, <सार। laughs> ये पूछे के चाहते नहीं कि जिसे हमने के पढ़ाई करी नहीं सर तो कभी कभी डेली टारगेट्स जो होला वो तो कंप्लीट ना होला अगर टारगेट्स कंप्लीट भी होला तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर वो एनजाइटी या फिर कि और करना है या फिर अभी नहीं हुआ उ चीज हमेशा रहला तो वो कम कैसे करल जाए देखिए टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले कोई लड़का आठ घंटा पढ़ रहा है ये कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया उसको देख के 8 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाई छोड़ देगा <laughs> <laughs> तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं अगर आपने एक एक घंटे को बना लिया कि हम एक घंटा पढ़ सकते हैं अगले एक हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए जिम में कैसे करते हैं लोग पहले दिन उठा लीजिएगा एक कुंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए हर इंसान की क्षमता अलग है कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा पैर तोड़ के बैठ जाएगा <laughs> अब संदीप सर का मोटिवेशन देख के इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे ढकेल देंगे तुमको हालांकि <laughs> ऐसा कर देते हैं लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं क्षमता पता होना चाहिए <laughs> आपके अंदर एंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है आप ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर मेरे को एंजाइटी हो रही है आप ये कह रहे हो मैंने काफी कुछ कर लिया है फिर भी एंजाइटी हो रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर आपके अंदर ये एंजाइटी हो रही है दैट मीन्स यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट आप एक अच्छे स्टूडेंट हो क्यों क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं उनको पढ़ने के नाम से एंजाइटी होती है <laughs> तो आपको एंजाइटी हो रही है कि मैंने पढ़ लिया दिन में मानो आठ घंटे का आपने टारगेट सेट किया और छह घंटे पढ़ लिया या मान लो आठ घंटे भी पढ़ लिया फिर भी एंजाइटी हो रही है कि मैंने दस घंटे नहीं पढ़ा तो ये तो अच्छी क्वालिटी है ना ये तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की क्वालिटी है क्योंकि एंजाइटी उसी को होती है जो केयर करता है जिसको परवाह है उसी की तो एटी होती है जैसे माँ को अपने बच्चे की जैसे एक माँ को अपने बच्चे के जैसे एक माँ को अपने बच्चे को लेकर के एंगजाइटी होती है हंस हंस लो 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 मजाक उड़ा कोई बात नहीं एडिट कर देंगे इसको हम <laughs> 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 जैसे एक माँ है उसको अपने बच्चे को लेकर के एंगजाइटी होती है थोड़ी सी भी तबियत खराब हो जाए उसको एंगजाइटी होती है चाहे बच्चा ठीक भी है डॉक्टर को नहीं होती है क्यों क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है तो दैट मीनस कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो इस वजह से आपके अंदर एंजाइटी हो रही है विच इज नॉर्मल जहां पर प्यार मोहब्बत होती है वहां पर थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होती ही है ना समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ रहे हो ना मैं कहा जा रहा हूं <laughs> जब वो किसी और से बात करती है तो एंजाइटी होती है ना सर <laughs> आपकी स्टोरी हमने सुनी थी तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गए थे उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उस समय मतलब आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं यहाँ से वापस जाना है रास्ता ही नहीं था घर <laughs> जाने के लिए एटलीस्ट नब्बे रुपये चाहिए थे जेब में चालीस रुपए थे कैसे घर जाते और हम गंगा के किनारे चुपचाप बैठे बैठे हम कहेंगे अब बहुत टेंशन हो गया अब घर जाना चाहिए रूम पे तो किराए के रूम पे ही आदमी सारे लोग रहते गए वहाँ पे तो रूम लॉक हो गया था तुम खटखटाएं तो ऊपर से गुस्सा से बोले जो ऑनर थे क्या टाइम हो गया है तुम कहे नौ दस बज रहा होगा घड़ी देखिए तो देखिए तो दो बज रहा था रात का दो ढाई बज गया था वहाँ टेंशन में आप तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है तो इससे घबराना नहीं है कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है जो बातें आपने बताई कि घर में प्रॉब्लम ये तो बहुत लोगों ने फेस करी वहां पर आप अकेले नहीं है बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस करी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखी बहुत तरह की स्ट्रगल्स देखी लेकिन वो सब इतने कामयाब नहीं हो पाए जितने कि आप हुए तो आपके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ है जो औरों के अंदर नहीं है तो वो मैं जानना चाह रहा हूं कि वो ऐसा क्या था से कि आपका दिमाग यहां तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर के आ सकता हूं एजुकेशन फील्ड में रेवोल्यूशन लेकर के आ सकता हूं ये सोचना ही बहुत लोगों के बस का नहीं है मेरी एक खुद की थिंकिंग अगर हमको कोई सौ रुपए किसी काम के लिए दिया हम सबसे यही कहते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसे दो का रिटर्न दे अगर कोई हमसे दो सौ रुपया फीस दे रहा है ढाई सौ दे रहा है तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं भैया हमने दस बीस हजार का पढ़ लिए यहाँ पर वो ईमानदारी से कभी कमी नहीं और हमेशा अगर हम प्रॉमिस का करते हैं तो डिलीवर फोर एक्स करना चाहते हैं ध्यान ध्यान से से सुनना और ध्यान से समझना इस फर्क को अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए हमें कुछ भी करना ना पड़े दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना कि हमें मिल रहा है तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की जो इनके जैसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से एक रुपये भी लिया देखा जाए तो दो ढाई सौ रुपये कुछ भी नहीं होता है दो ढाई सौ रुपए कैसे उसको चार सौ रुपए की वैल्यू दू ये जो थिंकिंग है ना यही एक फर्क होता है एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में जो मीडिया रह जाता है आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए उसको डेवलप कीजिए जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं क्या बात है <laughs> सर, ये आपने अभी बनाया है या ये कोई पुराना आपका वो है बनते रहता है इसमें फ्लो फ्लो में बन जाता है आपके अंदर ना सर कभी छुपा हुआ है कहीं ना कहीं जो बाहर आना चाहता है कभी ना कभी आपने सोचा होगा कुछ आ, कभी कभी देखिए एक चीज है संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है इस चीज़ को हमेशा संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं संगति का मतलब होता है संग संग गति तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी खराब में रहेंगे तो ये भी होता है बट अपने आप को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर जाए इसके लिए नहीं आए हैं लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते अपना हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज़ देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि वो याद करें कि इस पैसे की भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है खाली हाथ जाने के लिए ये सबको लगा है तो हर कोई को ये सोचना चाहिए कि था कोई इंसान जो इतने कम फीस में इतनी शिक्षा जो महंगी थी जो कमाने का रास्ता था उसको भी एकदम कंपटीशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीस बढ़ाने में डर लगता है कि अरे यार लड़का कमेंट करता है कि खान सर इतना ले रहे हैं आप बहुत टीचर हो